लेकिन हिंदू नाम लेकर के अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आज पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीने से जितने भी सोशल मीडिया हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक इत्यादि, उसमें एक भ्रांति चल रही है निजानंद दर्शन के विषय में अथवा निजानंद संप्रदाय के विषय में, कि निजानंद संप्रदाय में कतेव परंपरा के विषय में बहुत अधिक बातें की जाती है। ये मुसलमानों का धर्म है। वाणी में 6000 से अधिक चौपाइयां कतिपक से संबंधित है, जिसमें अरबी, उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुहम्मद को बड़ा बताया गया है और हिंदू धर्म की निंदा की गई है, मुसलमानों की प्रशंसा की गई है। ये गुप्त रूप से वैसे मुसलमान हैं, लेकिन हिंदू नाम लेकर के अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा एक भ्रामक प्रचार कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रसंग के माध्यम से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। आज इस विषय को हम संक्षेप में कहेंगे वितक चर्चा के माध्यम से, लेकिन एक अलग से इस विषय पे चर्चा होगी। फिर भी संक्षेप में मैं वर्णन करता हूं इस विषय में। वाणी में सनंद, खुलासा, मारिफत सागर और कयामतनामा, विशेष रूप से इन ग्रंथों में केवल कतेव पक्ष की बात की गई है। लेकिन कतेव पक्ष की बात की गई है, इसका यह तात्पर्य नहीं हो जाता कि निजानंद संप्रदाय इस्लाम मत का अथवा वर्तमान में जो मुसलमान है उनका ही एक धर्म है। इसको कैसे हम देख सकते हैं कि आज ईसाई मतावलंबी जितने क्रिश्चियन हैं, उन्होंने अपने बाइबल का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है उन्होंने। इस्लाम मत के अनुयायियों ने, मुसलमानों ने अल्लोपनिषद नाम से एक रचना की है, जिसमें अल्लाह शब्द का बार बार प्रयोग किया गया और अपने धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं। अब संस्कृत में अगर कोई व्यक्ति कुरान को लिख दे अथवा बाइबल को लिख दे, तो क्या वह हिंदू हो सकता है केवल संस्कृत में लिखने से? नहीं हो सकता। तो इसका सीधा तात्पर्य यह हुआ कि धर्म का संबंध भाषा से कहीं भी नहीं है। हाँ, भारतवर्ष की जो प्राचीन भाषा है अथवा भारतवर्ष के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ, वे सभी संस्कृत भाषा में हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म को संस्कृत भाषा में ही होना चाहिए, जबकि भाषा धर्म का परिचायक कभी भी नहीं हो सकता। भाषा का तात्पर्य यह है कि जो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का साधन हो, अपनी भावना को प्रकट करने का एक शब्द जो है, शाब्दिक साधन, मौखिक साधन भाषा कहलाती है। अब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जगत के गूढ़ रहस्य को अंग्रेजी में कहता है तो वो ईसाई अथवा क्रिश्चियन नहीं हो जाता। कोई व्यक्ति वेदों के ज्ञान को अरबी, उर्दू अथवा फारसी में कहता है, हिब्रू में कहता है, तो वो यहूदी अथवा मुसलमान नहीं हो जाता है। अब प्रश्न यह होता है कि फिर वाणी में इन ग्रंथों का वर्णन करने का क्या मतलब है? तो इसका सीधा अर्थ यह है, इसका उत्तर समाधान यह है कि जिस अवस्था में वाणी अवतरित हुई, और अवस्था भी ना देखें, परिस्थिति ना देखें, तो सबसे पहली बात तो यह है कि परमात्मा किसी भाषा के बंधन में नहीं है, परमात्मा किसी संप्रदाय के बंधन में नहीं है। वेद के किसी मंत्र में, पुराण के किसी श्लोक में अथवा किसी भी धर्म ग्रंथ के सूत्रों में यह नहीं कहा है कि परमात्मा केवल हिंदुओं का है। जब हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए, यह भी समझना चाहिए कि हम एक तरफ कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है,
जब संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है तो फिर ये जो संप्रदाय है वो तो बाद में आए हैं। धर्म अनादि है, परब्रह्म अनादि है, संप्रदाय बाद में आए हैं। भाषाएं लोगों के द्वारा बनाई गई है। अब परिस्थिति की बात करते हैं तो जिस परिस्थिति में वाणी का अवतरण हुआ उस अवस्था में, कल हमने सुना कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर भारतवर्ष में मुसलमानों का साम्राज्य था और मुसलमान उस समय के जो कट्टर मुसलमान थे, आज भी उनकी कमी नहीं है, उस समय के जो कट्टर मुसलमान थे वह ये मानते थे कि हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना है और नाम का उनको मुसलमान बनाना है। वैसे इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है शांति का मार्ग, लेकिन सबसे अधिक अशांति उन्होंने मचा रखी थी। तो उनको ये समझाने के लिए कि वास्तव में परमात्मा अथवा अल्लाह तुम्हारे इस कृत्य से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है, ये समझाने के लिए, और परमात्मा कभी भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा था, ये समझाने के लिए। अक्षरातीत परब्रह्म इस संसार में आ चुके हैं यह बात समझाने के लिए उनकी बात को उन्हीं की भाषा में समझाना आवश्यक था, क्योंकि कट्टर मुसलमान चाहे उस समय के हो चाहे आज के, संस्कृत निष्ठ अथवा तत्सम शब्दों को सुनना नहीं चाहते। तो उनको समझाने के लिए ब्रह्मवाणी के ये जो ग्रंथ है, सनंध, खुलासा, मारिफत और कयामतनामा, ये ग्रंथ उस समय के तद्भव हिंदी में अवतरित हुए। तद्भव हिंदी का मतलब बोलचाल की भाषा का अधिक प्रयोग हुआ, और उस समय में मुगल काल में अरबी, फारसी और उर्दू का अधिक प्रयोग किया जाता था। तो उनको समझाने के लिए, उन मुसलमानों को समझाने के लिए अरबी, उर्दू और फारसी का अधिक प्रयोग किया गया। वाणी का कथन है कि भेष भाषा जिन रच्यो, रच्यो मायने असल, भई रोशन ज्योत रसूल की अब खुले मायने सकल। भेषभूषा और भाषा के बंधन में परमात्मा नहीं है। कोई मुसलमान अगर संस्कृत का विद्वान बन जाए और संस्कृत में कुरान की, कुरान के आयतों को अनुवादित करके प्रचार करने लग जाए तो क्या आप उसे हिंदू मान लेंगे? आप नहीं मान सकते इस बात को। तो आपने कभी वाणी को पढ़ करके नहीं देखा कि उसमें क्या बात कही गई है और आपने निंदा करना शुरू किया, ये तो वैसे ही बात हो गई। चाणक्य का कथन है कि न वित्ति यूयस्य गुणः प्रकर्षम सतस्य निंदा शततम करोति। जिसके गुण के विषय में कोई व्यक्ति जानता ही नहीं तो वो क्या करता है, निंदा करने लग जाता है। तो आपने भी ये रास्ता अपनाया, आपने वाणी की चौपाई को देखा ही नहीं कि वाणी में लिखा क्या है। एक दो चौपाइयों का शाब्दिक अर्थ लेकर के आप ये कहने लग जाते हैं कि वाणी में तो ऐसा लिखा गया है, कुलजम स्वरूप में ऐसा लिखा गया है, तथा कथित प्रणामी और निजानंदी ये वास्तव में मुसलमान है, ये आपकी अल्पज्ञता का परिचायक है। जो वाणी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि वेद आया देवन पे, असुरन पे कुरान। कुरान किसके लिए आया है? असुरों के लिए, और वेद आया है देवताओं के लिए। उसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुस्लिम परक धर्म है? हाँ, कुरान में लिखी गई जो मूल बातें हैं उन बातों को हम लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसमें भी एक परब्रह्म के विषय में ही बताया गया है। जिस तरह से उपनिषदों में दिव्य ब्रह्मपुर का वर्णन है वैसे ही अर्श आजम कह करके कुरान में वर्णन किया गया है। 14 लोकों का वर्णन हिंदू पक्ष में किया जाता है पुराणों में, वैसे ही 14 तबक का वर्णन कतिप पक्ष में किया गया है। जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर और सदाशिव का वर्णन आता है, वैसे ही कते परंपरा में भी 5 फरिश्तों का वर्णन किया गया है। तो तात्विक रूप से दोनों में कोई भेद नहीं है। हाँ, भ्रम कहां से शुरू हो जाता है अथवा ये जो धर्म के नाम पर कट्टरता कैसे शुरू होती है, उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं, तथ्य और उदाहरण दोनों। जैसे मैंने पहले कहा कि कुरान में 60,000 हरफ होने चाहिए थे क्योंकि 30,000 शरीयत के, 30,000 तरीकत के, शबे मेराज के अनुसार, लेकिन आज आप कुरान देखेंगे तो उसमें लगभग 73,000 हरफ हैं, 73,000 कुछ 100 हरफ हैं। तो अगर हम
राउंड सर्कल में राउंड फिगर में ले लें तो 13,000 हरफ जोड़े गए हैं। जो 13,000 हरफ जोड़े गए, उन जोड़ी गए हरफों को कुछ मुसलमान ये तो मानते हैं कि हाँ ये शैतानी आयते हैं, अर्थात शैतान ने की है ये जो फेरबदल। तो उन शैतानी आयतों के द्वारा आज जो जिहाद के नाम पर जो भी कट्टरता चल रही है वो उन जोड़ी गई आयतों से, जोड़ी गई हरफों से है। और मुसलमानों की कट्टरता इतनी है वो कहते हैं कि हाँ शैतानी आयत तो है लेकिन हमें उनको हटाने का अख्तियार नहीं है, हमें उनको हटाने की अनुमति नहीं है। और क्या धर्म के नाम पर कट्टरता केवल मुसलमानों में ही है? हाँ, उनमें राक्षसों जैसी प्रवृत्ति है, हम सभी इस बात को मानते हैं। क्योंकि हिंदुओं में कट्टरता हो सकती है, हिंदुओं में बहुत सारे ऐसे अवगुण हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक कट्टरता के कारण वो दूसरों को जबरदस्ती तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन नहीं कराता है। लेकिन धर्म ग्रंथों में धर्म के नाम पर पाप का आचरण तो हिंदू धर्म में भी हो रहा है। जैसे परमात्मा के नाम पर बलि देने की प्रथा है, वो हिंदू धर्म में कहां से आया? वेद के मंत्रों का ही अनर्थ किया गया है। सती प्रथा की शुरुआत कहां से हुई? वेद के मंत्रों का ही अनर्थ करके किया गया है। ऐसे अनेक प्रथा, चाहे जातिवाद हो, छोटी जाति और बड़ी जाति, नीच और ऊंच का जो भेदभाव है, उसकी शुरुआत कहां से हुई? वेद मंत्रों का ही गलत अर्थ करके हुई। तो धर्म के नाम पर अधर्म अथवा धर्म के नाम पर अज्ञानता, आडंबर हिंदू धर्म में भी है और इस्लाम मत में भी है। और इस्लाम मत के जितने अनुयायी हैं उनको महामति जी ने खुलासा, सनंद, मारिफत और कयामत नामा से कान पकड़ पकड़ करके चांटा लगाया है। आप सनंद को एक बार पढ़ करके देखें, खुलासा ग्रंथ की टीका, जिसके पास भी ये बात पहुंचेगी, जितने भी इस भ्रामक तथ्य को फैलाने वाले हैं, अगर आप इस चर्चा को जब भी सुने तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की वेबसाइट में spjn.org में श्री खुलासा ग्रंथ की टीका उपलब्ध है। आप शुरू से अंत तक पढ़ जाइए, अर्थ और भावार्थ सहित, आपको पता चलेगा कि महामति जी ने किस तरह से मुसलमानों को फटकार लगाया है कि तुमने धर्म के नाम पर जो किया वो वास्तव में धर्म न होकर के अधर्म कैसे है। मैंने एक उदाहरण दिया, शायद आपको उस एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वेद आया देवन पे, असुरन पे, कुरान, ऐसे अनेक उदाहरण से सनंद, खुलासा, मार्फत और कयामतनामा भरे हुए हैं, जिसमें ये सनंद और ये जो चार ग्रंथ जिनका मैं नाम बार बार ले रहा हूं, ये उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनकी बड़ाई करने के लिए, उनको बड़ा दिखाने के लिए नहीं है, उनको फटकार दिखा करके सीधे रास्ते पर ले आने के लिए। हाँ, इस बात को आप तभी स्वीकार कर पाएंगे जब आप अपनी किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से अलग होकर के, किसी द्वेष की भावना से हट करके, ईर्ष्या की भावना से हट करके आप देखेंगे, धार्मिक उदारता की भावना से सत्यता को स्वीकार करने के लिए, उसको अंगीकार करने के लिए जब आप उद्यत होकर के इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आप इस सत्यता को स्वीकार कर पाएंगे।